नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि बिहार के मुंगेर में एसपी और डीएम दोनों को हटा दिया गया है और साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके पहले आज एक बार फिर मुंगेर में भीड़ हिंसा पर उतर आई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भीड़ का यह गुस्सा भड़का है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भीड़ ने एसपी दफ्तर और एसडीएम निवास के बाहर आज जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक डाला। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे थे और ये मुद्दा चुनावी बन गया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया था कि आखिर बिहार की पुलिस को जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया था। चिराग पासवान ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जनरल डायर की संज्ञा दे डाली थी। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सवाल पूछ रहा था और सवाल यह भी उठ रहे थे कि आखिर इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जिससे सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के तहत है, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये 27 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसके बाद फायरिंग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग जख्मी हो गए थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने फायरिंग की, जबकि पुलिस का कहना था कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई थी। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने गोली चलाई थी। इसके बाद से लगातार मुंगेर के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आज भीड़ का गुस्सा एसपी और एसडीएम के दफ्तरों के बाहर निकला, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ियां फूंक दी गई और आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार के मुंगेर में एसपी और डीएम को हटा दिया। अब इस मामले में आयोग ने पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। कोतवाली में भी तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ